अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम अपना फर्स्ट व्लॉग बना रहे हैं जिसको हम ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर देंगे। इससे पहले भी हमने अपने काफ़ी ज़्यादा बनाए थे व्लॉग, लेकिन हम उनको ऑफिशियली अपलोड नहीं कर सके, तो वक्ता फ़वक्ता उनको भी हम अपलोड कर देंगे। तो आज मौसम भी बहुत प्यारा है, तो मैंने हैदर से डिमांड किया है कि वो यहाँ पर आए, अपनी गाड़ी जो उन्होंने न्यू कल्टस गाड़ी लिया है उसमें आए और हमें यहाँ पर सैर करवाए। मैं यहाँ पे खड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ, शुक्र है हैदर पहुँच चुका है। ये आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है, बहुत खूबसूरत मंजर है। थैंक यू, आप बहुत टाइम से आ चुके हैं, नहीं तो आज मैंने भीग जाना था, फुली भीग जाना था यार। आप सही यकीन करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई, पहुँचे हैं आप? जी जी, मैं ठीक हूँ। कैरियर से हैं? कैरियर से। आप लेट तो नहीं करना पड़ा? और सर सुना क्या ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपका ठीक। बड़ा थैंक यू यार, बड़ा शुक्रिया आपने हमारे टाइम निकाला, आप हमारे टाइम निकाल के। हाँ, असल मौसम की आई डिमांड है और तो कोई मसला नहीं है। मौसम देखिए कितना प्यारा है, ये मैं आपको दिखाता हूं दोबारा, बहुत खूबसूरत ये मौसम देखिए, बड़ा बारिश हो रहा है और बहुत प्यारा एरिया है ये यहाँ पे जहाँ पे आज। यकीन करिए मुझे इस भाई को पता कितना गुस्सा आ रहा है, इनके इनकी फरमाइश के ऊपर हम लोग बाहर आए हैं। इन्होंने कहा था गाड़ी, इन्होंने भी साथ कहा था ना, तो इसलिए मैंने साथ आपको बुला ली। इन्होंने कहा कि यार आज आपने गाड़ी ली, हमें बाइकिंग घुमा के लाओ। तो अब्दुल रहमान भाई, आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, बात तो ठीक नहीं है। सर मेरा कुछ काम रह गया था, मैंने भाई से रिक्वेस्ट की भी है लेकिन घर में टिकने नहीं दिया। जी जी, नहीं है दरअसल, खैर से अभी हम पार्टिसिपेट करते हैं, चले हम निकले। अब हमने बोला कहाँ कहाँ जाना है, अब हम लोग जाएंगे पहले आशियाना का, वहाँ से आशियाना का से फिर हम आपको DHA Phase 9 का व्यू दिखाएंगे, उसके बाद हम लोग क्रिकेट ग्राउंड में जाएंगे। लेकिन बारिश हो रही, मुझे लगेगा नहीं वहाँ पर कोई, वहाँ पे कोई भी नहीं होगा, लेकिन हम देख आते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं थोड़ा सा, बाइक से गाड़ी में बैठ के देख लेंगे। बस मैं अपने काम को वाइंड अप करने लगा। हाँ, आप अपना काम खत्म करें जल्द से जल्द और उसके बाद फिर हम आगे मूव करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। ना ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, सब यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए आए थे। अब बारिश हो रही थी, बारिश तेज हो रही थी, सारे वापस जा रहे हैं, बारिश की वजह से वापस जा रहे हैं। लेकिन मौसम देखने वाला और कमाल का मौसम है, मैं बहुत ही प्यारा और हसीन मंजर है। हम लोग इधर ब्लॉग बनाने के लिए ना इधर गए थे आशियाना, किसी जगह पर वक्त था, रात का वक्त था, रात का तकरीबन 11 बजे का टाइम था। हम लोग यहाँ पर आए मस्त माहौल में, हमारे पास गाड़ी दूसरी वगैरह थी, बैगनार गाड़ी थी, हम मस्त माहौल में यहाँ पर आए गाड़ी लेकर। हमने अपनी वीडियो शूट करना स्टार्ट की तो हमें ना अचानक आवाज़ आती है, भाई गाड़ी साइड में रोक। हमने गाड़ी देखी ना तो आगे वो पुलिस वाले बंदे खड़े थे, उन्होंने हाथ में पिस्टल लिए गए। हम लोग साइड में निकले, गाड़ी रोक गया साइड में। हमने जैसी गाड़ी साइड में रोकी तो हमें वो कहते हैं यार अपना लाइसेंस दिखाओ, अपना वो फलाम फला दिखाओ। गाड़ी मैं चला रहा था, मेरे पास लाइसेंस भी नहीं था। हमने कहा लाइसेंस होनी है, उन्होंने हमें ना कोई आधा घंटा दिल्ली किया, कहते कि हमने ना पुलिस वालों के पास लिखा है, आपको थाने ले जाना है, फलां जगह ले जाना है, ये कर देना है, वो कर देना है। उन्होंने बात नहीं सुनी हमारी, तो वो वाकई बहुत ही मंजर मुश्किल था। फिर बड़ी मुश्किल से उनको हैंडल किया, फिर आपको पता ही है पंजाब पुलिस है, पाकिस्तानी पुलिस है, तो फिर उन्होंने उनको हमने थोड़ा सा ले दे कि उनसे हमने भी जान छुड़वाई। और घर में किसी को भी आइडिया नहीं था कि हम इस टाइम किस हालत में हैं और क्या कर रहे हैं। लोग भी क्या याद करेंगे, मेरा काम भी जो है अब तकरीबन वाइंड अप हो गया है। अब आप लोगों के साथ जो है हम इंशाल्लाह टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन टाइम स्पेंड करने का अब क्या फ़ायदा, आप देखें ना भाई मौसम कैसा है, बारिश हो रही है तो फिर बड़ा मुश्किल है, ज़रूरी होता है। हाँ ये, लेकिन जब दोस्तों को टाइम देते हैं तो सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है, ऐसे तो नहीं ना आप चले। जिंदगी हमने सेक्रीफाइस ही किया है, अभी भी सेक्रीफाइस ही कर रहे हैं जी। ये आप देख रहे हैं आपके सामने, हम यहाँ से प्रिज्म 9 में से बाहर की जानिब जा रहे हैं और लोग देखें अभी भी बारिश हो रही है और लोग बड़ा है, कितना प्यारा लग रहा है, हो रहे हैं। ये देखें, ये प्रिज्म 9 फेज 9 उसकी एंट्रेंस है, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत। चले अच्छा। ना हम लोग ना वापस जा रहे हैं क्योंकि ना बारिश हो रही है बाहर बड़ी तेज सी, और ये प्रिज्म 9 के अंदर रहने का फायदा नहीं है, हम चलते हैं आशियाना कायद में। अभी हम आपको एंट्रेंस दिखाने लगे हैं आशियाना की, आशियाना कायद की, बहुत ही शानदार और खूबसूरत व्यू है इसका भी, देखें आप देख सकते हैं। अभी हम यहाँ से एंटर होने लगे हैं, गाड़ी आ रही है फ्रंट से, अच्छा दूसरी साइड उन्होंने बंद की हुई है। जी तो हम एंटर हो चुके हैं आशियाना सोसाइटी के अंदर, आशियाना का ये फिलहाल हमने यहाँ पे आके गाड़ी स्टॉप कर दी है और अभी हम आपको आशियाना का जो पार्क है वो आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार और खूबसूरत व्यू के साथ। हैदर आए भाई रात भी, अब्दुलरहमान भाई को भी आवाज़ दें। जी तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं, बारिश यहाँ पर फिर स्टार्ट होने लगी थी, यहाँ पर कुछ और था भी नहीं, तो इसलिए हमने कहा चले वापस चलते हैं हम लोग। लेकिन हम लोग यूँ जाने वाले तो हैं नहीं, हम लोग बाहर निकले हैं कोई आउटिंग के लिए, तो अब सही तरह आउटिंग करके जाएंगे। अब वहाँ पर ना एक मैं देख सकता हूँ, यहाँ पर एक ना श्राइन है वहाँ पर,
अब हम लोग चलते हैं वहाँ पर, आपको वहाँ का व्यू दिखाते हैं। हाँ देखना चाहिए, वहाँ पे भी हम थोड़ी देर बैठेंगे, सलाम करेंगे वहाँ पे और फिर आगे की तरफ यानी मूव करेंगे, तो सबके लिए दुआ भी करेंगे। ऐसी जगहों पर ना अब वो देख रहे हैं आप, फीमेल्स भी वहाँ पे जा रही हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जा रहे हैं और हम भी फीमेल्स के पीछे ही जा रहे हैं। तो अब हम लोग दरबार में पहुंच चुके हैं, ये श्राइन है, हम लोग यहाँ पर नाम देख सकते हैं सूफी अब्दुल कयूम रहमतुल्लाह अलैह के, ये मज़ार है। अब हम आपको जाके अंदर का व्यू दिखाते हैं, बाहर से बहुत खूबसूरत लगा के हम जाएंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पे दुआ भी करेंगे। बारिश का मौसम है और बड़ा शानदार व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है, तो अंदर चलते हैं दिखाते हैं सबको कैसे। तो हम लोग बाहर आ चुके हैं, आप ये देख सकते हैं हमारे पीछे ये मज़ार है, थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा, दरख्तों की वजह से छुपा हुआ है। अब हम लोग अंदर चलते हैं, आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं अंदर किस तरह का सीन है। अंदर आ चुके हैं लेकिन हमें लग रहा है यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है कि हम लोग यहाँ पर कैमरा वगैरह नहीं खोल रहे, लेकिन हम लोग फिर भी साइड पर आ गए हैं। आप लोगों के लिए हमने कैमरा वगैरह खोला है, आपको दिखाते हैं हम लोग ये व्यू पीछे का, ये देखें ये पीछे हमारा ये पूरा दरबार है। देखें यहाँ पर एंटर से कितना प्यारा व्यू है, ये देखें ये सारा वो एंट्रेस वहाँ तक एंटर का व्यू होता है, ये आ गया सारा दरबार है। जी तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस। अब हमने देखा मज़ार, देखा है अंदर से माशाल्लाह बहुत प्यारा बना हुआ है, किसने बड़ी मोहब्बत और अकीदत से बनाया ये मज़ार, अल्लाह पाक उसको नेकियां दे अजर दे, काम किया। बहरहाल मज़ार बहुत खूबसूरत बना हुआ था। अब हम लोग जा रहे हैं वापस। जी तो हमने अभी आपने देखा कि हमने ब्लॉग बनाया, हम लोग सबसे पहले आशियाना सोसाइटी में गए, फिर हम लोग DHA फेस 9 में गए, फिर हमने अब एक श्राइन भी उन्होंने दिखाई आप लोगों को, एक मज़ार दिखाया। अब फिलहाल हम चलते हैं घर की और अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।